हे व्हाट्सअप गाइस, तो आज की इस नई वीडियो में हम कुछ इस तरह का कलर इफेक्ट अपनी फोटो में ऐड करने वाले हैं। तो गाइस चले वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके गाइस, तो अभी मैं लाइट रूम में आ चुका हूँ। लाइट रूम में आने के बाद आपने सबसे पहले लाइट वाले टूल को ओपन करना है और एक्सपोजर को -20 कर देना है और कंट्रास्ट को +20 कर देना है। उसके बाद गाइस आपने शेडोज़ को बढ़ा के 20 कर देना है। उसके बाद गाइस आपने वाइट्स को +10 कर देना है और ब्लैक्स को -10 कर देना है। उसके बाद गाइस आपने आ जाना है कलर्स में। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले टेम्परेचर को -6 कर देना है और वाइब्रेंस को बढ़ा के 30 कर देना है। उसके बाद गाइस आपने टिंट को -10 कर देना है। अभी गाइस आपने मिक्स टूल में आ जाना है। गाइस मिक्स टूल में आने के बाद आपने सबसे पहले कलर की ह्यू को माइनस कर देना 100 और सैचुरेशन को +50। उसके बाद गाइस आपने सेकंड कलर में आ जाना है और गाइस आपने इसकी लुमिनस को +100 कर देना है। उसके बाद गाइस आपने आ जाना है ग्रीन कलर में। तो गाइस ग्रीन कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को आपने 100 कर देना है और यहाँ पे आपने इसे डन कर देना है। ओके गाइस, तो अभी आपने आ जाना है इफ़ेक्ट्स में। तो गाइस इफ़ेक्ट्स में आने के बाद आपने टेक्सचर को कर देना है +10। उसके बाद गाइस आपने डिहेज को +10 कर देना है और विग्नेट को -10 कर देना है। उसके बाद गाइस हम फोटो को कर लेंगे अपने मोबाइल में सेव। सेव करने के बाद गाइस इसी फोटो को हम फिर से लाइटरूम में ओपन करेंगे। ओके गाइस, तो अभी हमारी फ़ोटो इंपोर्ट हो चुकी है। अभी हमने यहाँ पे एक प्रीसेट ऐड करनी है, तो इस प्रीसेट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आपने कॉपी सेटिंग में आ जाना है और टूल के सामने जो एरो है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने गाइस चार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं, हील, ब्रश और उसके बाद गाइस आपने सेटिंग को कर लेना है कॉपी और अपनी फ़ोटो पर कर देना है पेस्ट। तो गाइस सेटिंग पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो हमारी जो स्किन है वो स्मूथ नहीं है। तो उसको स्मूथ करने के लिए आपने आ जाना है नीचे इफेक्ट्स में। तो यहाँ पे मैं नीचे इफेक्ट्स में आ जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पे आपने नॉइस रिडक्शन को 40 कर देना है और कलर नॉइस रिडक्शन को भी 50। तो गाइस तो अभी आप देख सकते हो हमारी जो स्किन है वो एकदम स्मूथ हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने प्रीसेट अगर सेटिंग करने से पहले फ़ोटो पे अप्लाई किया होता तो फ़ोटो का इस तरह की एडिट होती।